नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। छिंदवाड़ा, चौधरी नगरी निकाय के निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होते ही 15 वार्डों में बनाए गए बूथ केंद्र से ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में वापस लाई गई। आपको बता दें, चौरई नगर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसमें मतदान सामग्री रखी गई। नगर के 15 वार्डों में मतदान के पश्चात शाम 5 बजे के बाद मतदान दलकर्मियों द्वारा मतदान सामग्री वापसी के साथ ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में जमा की गई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चौरई नगर के 15 वार्डों में करीब 82.3% मतदान हुआ। प्रशासन एवं पुलिस बल की निगरानी में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, आज जो नगरीय निकाय चुनाव जो हुए हैं उसके बारे में बताइए। सर, नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग से जो कार्यक्रम जारी किया गया था, उसके तहत चौरई नगर पालिका परिषद का मतदान आज 13 तारीख को 7 बजे से 5 बजे तक था। मतदान सभी मतदान केंद्रों में समाप्त हो चुका है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 82.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान सभी जगह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, कहीं विघ्न व्यवधान नहीं आया और सब जगह शांति रही और पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन ने, पुलिस बल ने की थी। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने मतदान करा लिया। अब हमारे मतदान दल वापस आ रहे हैं, हम उनकी सामग्री जमा करने की कार्रवाई कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।